नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। स्वामी ने कहा रिजर्व बैंक के गवर्नर देश के अनुकूल नहीं हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को देश के अनुकूल नहीं बताते हुए कहा है कि उनकी गलत मौद्रिक नीतियों के कारण ही देश में बेरोजगारी बढ़ी है और छोटे तथा मझोले उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। स्वामी ने कहा कि मुद्रा स्फीति नियंत्रित करने के नाम पर जिस तरह से राजन ने ब्याज दरें बढ़ाई है उससे अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके राजन को उनके पद से मुक्त करके शिकागो भेज दिया जाना चाहिए। भाजपा और सपा मिलकर खराब कर रहे हैं विश्वविद्यालयों का माहौल, कहा मायावती ने। बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरोप लगाया है कि राज्य विधानसभा के 2017 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर भाजपा और सपा मिलकर विश्वविद्यालयों के माहौल को सांप्रदायिक बनाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाद अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के माहौल में जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है। मायावती ने केंद्र सरकार पर देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में आरएसएस के एजेंडे को थोपने का आरोप लगाया। कच्छ में दो पाकिस्तानी नौकाओं पर सवार 18 लोग गिरफ्तार। गुजरात में कच्छ जिले के कोटेश्वर क्रीक के निकट से सीमा सुरक्षा बल ने बुधवार देर रात दो पाकिस्तानी नौकाओं और इनमें सवार 18 लोगों को पकड़ लिया। बीएसएफ सूत्रों ने आज बताया कि पकड़ी गई नौकाओं में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इन्हें बीएसएफ के गश्ती दल ने कोटेश्वर क्रीक के पास से पकड़ा। पहली नजर में मछुआरे नजर आने वाले इन 18 पाकिस्तानियों के पास से करीब 90 लीटर डीजल और 300 किलो मछली बरामद की गई है। पकड़े गए पाकिस्तानियों में से 4 नाबालिग हैं। शशांक मनोहर चुने गए आईसीसी के नए निर्विरोध चेयरमैन। वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासक शशांक मनोहर को गुरुवार को निर्विरोध आईसीसी का पहला स्वतंत्र चेयरमैन चुना गया। उन्होंने दो दिन पहले बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आईसीसी की पूर्ण परिषद ने बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद 58 वर्षीय मनोहर का चयन किया गया। मनोहर आईसीसी के पहले चुने हुए स्वतंत्र चेयरमैन हैं और उनका 2 साल का कार्यकाल तुरंत प्रभाव से शुरू होगा। आईसीसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मनोहर इस पद के लिए अकेले उम्मीदवार थे, लिहाजा उनका चयन निर्विरोध हुआ है। महाराष्ट्र में औसत से 27% अधिक बारिश की संभावना। सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र को मौसम विज्ञान विभाग ने थोड़ी राहत देते हुए कहा कि इस मॉनसून राज्य में वार्षिक औसत से 27% अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग क्षेत्रीय उपनिदेशक कृष्णानंद होसलीकर ने उच्च स्तरीय आपदा प्रबंधन की तैयारियों के मद्देनजर आयोजित की गई बैठक में ये जानकारी दी। ये बैठक ठाणे के जिला मुख्यालय में आयोजित की गई थी। जिला सूचना विभाग द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि अधिकारी ने यहां इस बात से भी अवगत कराया कि कोंकण क्षेत्र में इस साल बारिश वार्षिक औसत बारिश से 27.50% अधिक होने की संभावना है। विज्ञप्ति के मुताबिक राज्य में जुलाई और अगस्त में भी भारी बारिश होने की संभावना है। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।